आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे अध्यक्ष डोटासरा साहब, विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी जी, हमारे प्रभारी रंधावा साहब, अभी आपके बीच में भाषण दे रही थी हमारी क्षेत्रीय विधायक और मंत्री ममता जी, मुरारी मीणा साहब, प्रसाद लाल मीणा जी, खटाना जी, जिले के सभी विधायक मंच पर उपस्थित, हमारी अमृता जी, बाकी सभी हमारे मंत्री, विधायक, नेतागण, पार्टी के पदाधिकारीगण, युवा कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के सभी नेतागण जो आज मौजूद हैं, मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से आदरणीय प्रियंका जी का दौसा आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रियंका जी आज यहां पर आई हैं हमको संदेश देने के लिए, और राजस्थान के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं, किन मुद्दों पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी पार्टी की सोच क्या है, और किन मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी, हमारा संगठन आने वाले चुनाव को जीतने जा रहा है, किन मुद्दों को रेखांकित करना है, इस पर आदरणीय प्रियंका जी हमारी आपको अपनी बात बताएंगी। साथियों, पार्टी की सोच क्या है और किन मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी, हमारा संगठन आने वाले चुनाव को जीतने जा रहा है, किन मुद्दों को रेखांकित करना है, इस पर आदरणीय प्रियंका जी हमारी आपको अपनी बात बताएंगी। साथियों, ये सिकराय विधानसभा क्षेत्र, ये दौसा जिला, ये पूरा इलाका, यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने हमेशा से कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, और कांग्रेस पार्टी ने जो विकास, प्रगति, लोगों के देखरेख, 36 कौमों को प्यार और प्रेम देकर आगे बढ़ाने का काम किया है, मुझे गर्व है कि इस जिले से, यहाँ का सांसद मैं आपके बीच में रहा हूँ, और आपने हमेशा, हमारे हाथ की पहचान है, इस हाथ की पहचान को आपने हमेशा बरकरार रखा और हमेशा वोट और समर्थन देकर हमको ताकत दी है। प्रियंका जी, आज यहाँ पर हमारी सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, इस पूरे 12-13 जिलों के अंदर जो हमारी ERCP की योजना थी, जो भाजपा के काल में बनी थी, इन 5 सालों में हमारी सरकार ने उस पर काम किया है, लेकिन यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को, यहाँ कर विशेष रूप से किसानों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है कि केंद्र की सरकार भेदभाव की भावना से काम कर रही है। केंद्र की सरकार में 25 के 25 मंत्री भाजपा के हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अजमेर में आकर राजस्थान में एक नहीं, दो बार कहा था कि ERCP की परियोजना को हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। अब उनके मंत्री और सांसद, उनकी सरकार, सिर्फ कांग्रेस की सरकार यहां पर है, इसलिए हमारे किसानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। इसरदा की योजना हो, पानी की परियोजना हो, पेयजल की परियोजना हो, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम इस क्षेत्र में किया है, और अभी भी जो DPR बना है उसमें इस क्षेत्र के अगर कोई गांव पंचायत रह गए हैं, हमारी सरकार दोबारा बनेगी, उन गांव पंचायतों को DPR में हम शामिल करवाएंगे ERCP की, इस बात को मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। 4 प्रदेशों में चुनाव है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, अभी प्रियंका जी और आदरणीय राहुल गांधी जी तेलंगाना में थे एक दिन पहले, वहां पर सब लोग मान चुके हैं कि कांग्रेस की लहर चल रही है, प्रचंड बहुमत के साथ हम तेलंगाना में सरकार बनाने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में बनाएंगे, छत्तीसगढ़ में रिपीट करेंगे, और राजस्थान के अंदर जो 30 साल की परिपाटी होती आई है कि 5 साल BJP और 5 साल कांग्रेस, इस परिपाटी को तोड़ना पड़ेगा। बहनों भाइयों, इस काम को आप लोग कर सकते हो, दौसा जिला कर सकता है, सिकराय के लोग कर सकते हैं, और आप लोगों पर मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा एक विशेष अधिकार है। इस क्षेत्र के लोगों ने, इस जिले के लोगों ने, हर कौम बिरादरी धर्म के लोगों ने हमेशा हमको विशेष आशीर्वाद दिया है। स्वर्गीय पायलट साहब यहां से 5-6 बार सांसद रहे, रमा जी नहीं, मैं भी यहां पर आपका बीच सांसद रहा, और मुझे याद है प्रियंका जी, मैं पहली बार यहां चुनाव लड़ने आया 2004 में, मेरी चुनावी सभा थी, सोनिया गांधी जी विशेष रूप से यहां पर आई थी, दौसा कॉलेज में हमारी सभा थी, उनकी सभा से जो आशीर्वाद हमको मिला, मुझको मिला, मैं मात्र 26 साल की उम्र में यहां से सांसद बनकर गया था। मैं आज इस मौके पर सोनिया जी का भी और क्षेत्र की जनता का
बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि दौसा की पहचान आज देश भर में कांग्रेस के एक मजबूत गढ़ के नाम से हो गई है और आप लोगों का श्रेय जाता है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, आपका दायित्व तो बढ़ गया है। पूरा देश देख रहा है कि राजस्थान की जनता किस करवट बदलेगी। जब मुश्किल समय आता है, आप लोगों ने मुझे और हम सबको आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। जब दिक्कत का समय आया, अच्छे समय में, खुशियों में सब शामिल होते हैं, लेकिन दुख, परेशानी, कठिनाई में सिर्फ अपने शामिल होते हैं। और यहाँ का जो संबंध है इस मिट्टी का, यहाँ के लोगों का, वो इस जीवन में तो टूटने वाला नहीं है और मैं तो अगले में नहीं टूटने दूंगा, मैं आपको वादा कर जाता हूँ। और आज प्रियंका जी हमारे बीच में आई हैं, राहुल गांधी जी हमारे बीच में यात्रा कर गए थे। इस क्षेत्र के जनता ने हमेशा कांग्रेस पार्टी को मदद करी है, ताकत दी है। हम लोगों ने बढ़िया काम किया है, आपके बीच में जो विकास हुआ है, हमारे मंत्री जिले के दो दो तीन तीन मंत्री हैं, विधायक हैं, सबने मिलकर आपका विकास किया है। आज हम उम्मीद आपसे करते हैं कि सभा के बाद एक ऐसी लहर जिले पूरे क्षेत्र में होनी चाहिए कि एक एक सीट कांग्रेस पार्टी जीत कर जानी चाहिए, एक एक सीट पर यहाँ पर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी जीतना चाहिए। किसी का अगर कोई मनभेद है भी, छोटा मोटा मनमुटाव, उसको भूल जाओ। और जैसा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, नफरत की दुकान में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब तो मोहब्बत की चर्चा कल भी हो गई, आज भी हम लोग कर रहे हैं। मोहब्बत आपस में जोड़नी है, सब लोगों को साथ लेकर चलना है। और प्रियंका जी, आपके हर बार राजस्थान पर आने से कांग्रेस का वोट लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा के लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा किसको कहां पर टिकट दें। वो सब लोग जानते हैं कि इस बार कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, सब एकता से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा की झूठ और पाखंड की राजनीति को समाप्त करने का जो क्षण आएगा, वो 25 नवंबर को जब वोट पड़ेंगे, एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, ताकि भारी बहुमत के साथ राजस्थान में हम इतिहास कायम करें और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं। मैं एक बार पुनः प्रियंका जी आपका स्वागत करता हूं। दौसा की जनता हमेशा पलक पावड़े बिछाए, चाहे सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे आप हों, आपकी बात को हम लोग कभी इनकार करने वाले नहीं है। आप आह्वान करके चले जाओ, सारी की सारी सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डालकर देंगे, यह मैं आपको जनता की तरफ से आश्वासन दे सकता हूं। आप सब इतनी भारी तादाद में आए, आपका धन्यवाद करता हूं। और एक बार, क्योंकि यहाँ ये पूरा देश देख ले, पूरा प्रदेश देख ले, राजस्थान की जनता, दौसा की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। जोरदार नारा लगाना, हाथ खड़े करके दोनों, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।